इंडिया गठबंधन की इस संयुक्त प्रेस में मौजूद समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता गण, विधायकगण, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, जिलाध्यक्ष जी, आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण और लोकदल के सभी साथी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी इमरान मसूद साहब, इस प्रेस में आए सभी पत्रकार बंधुओं, हम आप सबका स्वागत और सम्मान करते हैं और इस बात के लिए माफ़ी भी चाहते हैं कि हमें आने में थोड़ी देरी हो गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहले मीटिंग की सभी कार्यकर्ताओं की और साथियों, समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं ने, जो भी सभी यहाँ विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब ने एक मत होकर के गठबंधन को जिताने के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जनता से आह्वान किया है, क्योंकि आज देश जिस संकट के दौर से गुजर रहा है वो आप सबसे भी छिपा नहीं है। आज किसान परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में पिछली बार जो वादा किया था, आप सब जानते हैं, क्या उनमें कोई एक वादा भी पूरा हुआ? क्या किसानों को MSP मिली? क्या नौजवानों को नौकरी मिली? क्या किस तरह से व्यापारियों के साथ GST के अधिकारी शाम को जाकर के वसूली करते हैं, ये बात भी आप सबसे नहीं छिपी है। बिजली महकमे में किस तरह से, क्योंकि भले ही आप, हम भी पत्रकार रहे हैं, बिजली तो आप भी जलाते हैं, बच्चे आपके भी स्कूल जाते हैं, तो ये समस्या, जिन समस्याओं का जनता को आज सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं अपने रोजमर्रा के जीवन में आप लोगों को भी ये सामना करना पड़ता है। और आप सब जानते हैं कि जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भारी नाराजगी है। आज अगर इन सांप्रदायिक ताकतों के साथ जो धार्मिक उन्माद फैला करके सत्ता हथियाना चाहते हैं, कोई लड़ रहा है, तो वो इंडिया गठबंधन है और हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी और तमाम गठबंधन के नेता इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आम आदमी के पार्टी से CM केजरीवाल जी के साथ क्या हुआ, तो ये जनता सब देख रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के गठबंधन जनता के बीच में है और गठबंधन को पूरे देश में जनता का भारी समर्थन और साथ मिल रहा है। तो हम तमाम समाजवादियों ने बड़ी ईमानदारी से, हम अपना गठबंधन धर्म यहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस से भाई इमरान मसूद प्रत्याशी हैं, हम बड़ी ईमानदारी से गठबंधन धर्म को निभाएंगे और यहाँ से इमरान मसूद साहब को जिता करके संसद भेजेंगे। और हमें उम्मीद है, इन्हीं पूरा विश्वास है कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन होगा।